आज रात का क्या है सीन? अगर आप आज रात को या सिर्फ एक रात को अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हैं, या सेक्स आप रोज़ नहीं कर रहे हैं, आपको कभी कभी मौका मिलता है, और जब मौका मिलता है तो आपको प्री मेच्योर एजैकुलेशन या अर्ली डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है, तो एक दवाई है जो आजकल केमिस्ट पे और हर ओवर द काउंटर में मिलती है, और वो है डिपॉक्सिटिन। डिपॉक्सिटिन या उसको ड्यूरा लास्ट के नाम से भी आती है, और डिपॉक्सिटिन धीरे धीरे काफ़ी फेमस होती जा रही है एक टाइमिंग की दवाई की तरह। ऑब्वियसली बहुत दिनों बाद सेक्स कर रहे हैं, कभी कभार सेक्स कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हैं या पार्टी में जा रहे हैं, या ऑब्वियसली गर्लफ्रेंड भी नहीं है, किसी से बाहर मिलने जा रहे हैं और बहुत दिनों बाद सेक्स करने वाले हैं, तो एक्साइटमेंट ज़्यादा होती है, एंगजाइटी ज़्यादा होती है, और कई बार मरीज़ या जो नॉर्मल आदमी भी है वो भी अपने सेक्स टाइम को कंट्रोल नहीं कर पाते। गए अभी खर्चा भी किया है, दारू भी पी है, गर्लफ्रेंड भी बहुत सुंदर है, और जब पहुँचे और करने लगे तो टच करते ही बाहर, या कपड़े उतारते ही बाहर, या जैसे कोशिश की तो बाहर, और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल खर्चा किया गया है तो ऑब्वियसली पर शॉट के पैसे मरीज़ों को देने पड़ जाते हैं। तो उस कारण से कई मरीज़ क्लिनिक पे भी आते हैं और बोलते हैं कि सर हमने केमिस्ट से ये डिपॉक्सिटिन ले ली और ये ट्राई करी, ये भी हमें काम नहीं करी, ऐसी कुछ ट्रीटमेंट बताओ। तो कई बार क्या है कि इन लोगों को या हमारे जो नॉर्मल मैन है इनको डिपॉक्सिटिन का सही यूज़ करना ही नहीं आता, या डिपॉक्सिटिन काम कैसे करती है उसके बारे में पता नहीं। तो आज का वीडियो जो है वो है डिपॉक्सिटिन जो ये टैबलेट है, जो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की दवाई है, उसका कहाँ यूज़ है, कैसे यूज़ करें, उसका फ़ायदा कैसे सही मिलेगा, और उसके साइड इफ़ेक्ट या प्रिकॉशंस इसके बारे में बनाई है। कोई भी दवाई यूज़ करने से पहले सिर्फ मेरी वीडियो को के बेसिस पे उस दवाई को ना यूज़ करो, कोशिश करो कि किसी यूरोलॉजिस्ट या एंड्रोलॉजिस्ट को दिखा दो। ये जो डिपॉक्सिटिन है इसके डब्बे के ऊपर भी ये रेड लेबल होता है या रेड बॉक्स वार्निंग होती है कि ये दवाई को सिर्फ एक प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर के कहने पर ही लेना चाहिए, पर ये फिर इंडिया है, सब कुछ चलता है, केमिस्ट भी पेशेंट्स को दवाई बांट देते हैं और कई बार इस दवाई से साइड इफ़ेक्ट भी हो जाता है। दवाई के फ़ायदे बताने से पहले सबसे पहले बता दूं, इस दवाई को खाने से चक्कर आ सकते हैं, बेहोशी हो सकती है, इस दवाई को खाने से नींद आ सकती है, और इस दवाई को खाने से कई बार ऐसा भी देखा गया है कि एक मरीज़ की आंखें उठ जाती है और एकदम बेहोशी आ जाती है। कितना फनी होगा, आपने दवाई खाई है और सेक्स करने की बजाय आप अपने गर्लफ्रेंड के सामने बेहोश पड़े हैं। तो इस दवाई को हमेशा एक पूरे ग्लास पानी के साथ लीजिए, और शराब के साथ इस दवाई को यूजुअली मिक्स मत कीजिए, या तो दवाई को शराब लेने से आधा घंटा पहले या दवाई को शराब लेने के आधे घंटे बाद लीजिए, कोशिश कीजिए। तो डिपॉक्सिटिन है क्या? तो पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ, मैं हूँ डॉक्टर विजन गोविंदा गुप्ता, नई दिल्ली इंडिया में एक यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट जो कि मर्दों की प्रॉब्लम को ट्रीट करता है, और इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन और बच्चे ना होना, तीनों ही प्रॉब्लम्स का मेडिकल और सर्जिकल इलाज हमारे क्लिनिक पे अवेलेबल है। आज का टॉपिक है डिपॉक्सिटिन। डिपॉक्सिटिन माने की टाइमिंग की दवा, और टाइमिंग हर समय के लिए नहीं, अगर आपको अपनी वाइफ के साथ टाइम बढ़ानी है, आप रेगुलर रिलेशन में हैं और आपको रोज़ के लिए कुछ चाहिए तो ये दवाई आपके लिए नहीं है। ये दवाई उनके लिए है जो कभी कभार सेक्स कर रहे हैं या आज कुछ ज़्यादा इंजॉय करना चाह रहे हैं और कभी कभार लेने के इंटेंशन से दवाई के बारे में जानना चाहते हैं। तो डिपॉक्सिटिन है एक SSRI जो मैंने बताया है स्टार्टिंग में भी कि प्री मेच्योर इजैक्युलेशन या जो अर्ली डिस्चार्ज है वो तीन कारण से होता है। एक है कि आपके लिंग की सेंसिटिविटी ज़्यादा है, दूसरा है कि आपका लिंग या आपके पेनिस के अंदर सीमन होल्ड नहीं होता, और तीसरा है कि आपका जो ब्रेन है वो आपको इतना एक्साइटेड कर देता है कि आपके अंदर रिफ्लेक्स मतलब टच करते ही जो सीमन डिस्चार्ज है उसका सिग्नल भेज के आपको शर्मिंदा करता है। तो अगर इस ब्रेन को, इस पागल दिमाग को जो सेक्स चाहता भी है और करने देता भी नहीं, इस दिमाग को ठीक करना हो तो हमें एक क्लास ऑफ ड्रग्स है जिसको बोलते हैं SSRI। SSRI ड्रग्स वो है जो दिमाग के अंदर सेरोटोनिन का लेवल बढ़ा के आपके अंदर जो इच्छा है या आपके अंदर जो ये एक्साइटमेंट है इसे कंट्रोल करती है और डिस्चार्ज की टाइमिंग को बढ़ाती है। तो पुराने SSRIs के साइड इफ़ेक्ट्स भी थे, देना भी लंबे टाइम तक पड़ता है, पर ऐसा एक SSRI जो आप खाओ 2 घंटे में असर आए और 6 घंटे में बॉडी से निकल जाए, ऐसी जादुई SSRI है ये डिपॉक्सिटिन। डिपॉक्सिटिन को अगर आप खाते हो तो ये गोली आपके खून में घुल जाती है और 1.5 से 2 घंटे में अपना असर चालू कर देती है। एक स्टडी हुई थी UK में और US में जहाँ पाया गया कि उन मर्दों में जिनका नॉर्मल टाइम 1 मिनट या सिर्फ 1.5 मिनट था, डिपॉक्सिटिन को लेने से उन लोगों का टाइम 3 से 4 गुना बढ़ गया। यही मरीज जो 1 मिनट में परेशान थे, ये गोली खाने के बाद 7 मिनट, 8 मिनट, 9 मिनट तक भी अच्छा सेक्स कर पाए।
अगर इस गोली के साथ इनको साथ में टडाला फिल भी दे दी गई या सिडना फिल भी दे दी गई तो टाइमिंग और बढ़ गया और इनकी सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन स्कोर्स बहुत ज़्यादा हो गए। पर इस दवाई को आप 24 घंटे में सिर्फ एक बार ले सकते हैं और पूरे महीने में इसको आप 3 से 4 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रोज़ लेने वाली दवाई नहीं है क्योंकि ये दवाई शरीर में रुकती नहीं है और इस दवाई का जो असर है वो लिवर पे भी है, इस दवाई का असर किडनी पे भी है और इस दवाई का असर बाकी ऑर्गन्स पे भी है। तो साइड इफेक्ट रोकने के लिए और आपके ऑर्गन्स को सेफ रखने के लिए ज़रूरी है कि आप डिपॉक्सिट इनको एक पर्टिकुलर मात्रा से या एक पर्टिकुलर टाइम से ज़्यादा नहीं ले सकते। पर अगर आपको सिर्फ महीने में 4 या 5 बार या 6 बार इस दवाई को लेने की ज़रूरत है तो ये दवाई आपके लिए एक बढ़िया दवाई साबित हो सकती है। ये दवाई आती है 2 कंसेंट्रेशन में, 30 mg और 60 mg। बहुत सारे मरीजों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि 30 mg की जो दवाई है अगर उससे मुझे फ़र्क आया 5 मिनट का तो 60 mg खाने से मेरे को 10 मिनट हो जाएगा। पर ऐसा नहीं है, अगर आपको 30 mg से फ़र्क आया है तो आप 30 mg में रुकिए, 60 mg खाने से आपको साइड इफेक्ट बढ़ जाएंगे, समय नहीं बढ़ेगा। 60 mg की दवाई उन मरीजों के लिए है जिनमें 30 mg काम नहीं करती। तो 30 mg डोज से ही स्टार्ट करते हैं और 60 mg डोज तब है अगर आपको सपोज 30 mg से फ़र्क नहीं आता। दवाई को पूरे ग्लास पानी से लेना है। पूरे ग्लास पानी से क्यों लेना है? क्योंकि इस दवाई का सबसे ज़्यादा कॉमन साइड इफेक्ट है बीपी को कम करना। जिन मरीज़ को बीपी की दवाई चल रही है, हार्ट की दवाई चल रही है, जिन मरीज़ों के अंदर बीपी की दवाई चल रही है जिनसे बीपी कम है, उन मरीज़ों में इस दवाई को लेने के बाद बीपी बहुत ज़्यादा कम हो सकता है। उन मरीज़ों के अंदर इतना कम भी हो सकता है कि मरीज़ों को बेहोशी आ जाए, चक्कर आ जाए, आँखों के आगे अंधेरा छा जाए और हो सकता है कि सेक्स की बजाय आप बिस्तर में पड़े मिले या घर पे या गाड़ी चलाते हुए गाड़ी कहीं ठोक ठाक दे। तो इस दवाई को लेते हैं तो इनिशियली 4-5 बार इसका इफेक्ट अपनी बॉडी पे जांचने के लिए गाड़ी ना चलाए, दवाई लेने के बाद देख लीजिए बीपी तो नहीं कर रहा। अगर आपको लग रहा है कि पैर लड़खड़ा रहे हैं, आँखों का अंधेरा छा रहा है तो लेट जाए और पैरों को ऊपर कर लीजिए, बीपी बढ़ जाएगा, आपको काफ़ी अच्छा आराम आ जाएगा। उसके अलावा इस दवाई के कुछ खास ज़्यादा साइड इफेक्ट्स है नहीं। हाँ, अगर आप बाकी कोई दवाइयाँ ले रहे हैं दिमाग की या न्यूरो की या इवन आपको किसी डॉक्टर ने पेरोक्सेटिन लिखी है या फ्लोक्सेटिन लिखी है तो उसके साथ इस दवाई को ध्यान से लें क्योंकि कई बार ये दोनों सारी दवाइयाँ मिलके साइड इफ़ेक्ट्स कर सकती है। ये दवाई पेशाब में निकल जाती है, 24 घंटे से ऊपर इसका असर नहीं रहता। पर अगर आप इसको वीकेंड ड्रग प्यार वाली गोली टडाला फिल आप जा रहे हैं फ्राइडे को वीकेंड पे अपनी वाइफ के साथ या अपनी फ्रेंड के साथ और आप चाहते हैं कि फ्राइडे सैटरडे संडे मेरा काम बढ़िया बने तो फ्राइडे की रात को टडाला फिल और सैटरडे संडे की मॉर्निंग को या सैटरडे संडे की इवनिंग को डिपॉक्सिटिन, ये जो 3 गोलियों को मिला के आपको एक बहुत अच्छा आपका वीकेंड, बढ़िया एक वीकेंड आपका बन सकता है। पर अगेन ये एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ एक सजेशन है। आप हमेशा अपने जो यूरोलॉजिस्ट या अच्छे एंड्रोलॉजिस्ट है उसकी सलाह लेके इस दवाई को यूज़ कीजिए। तो जो डिपॉक्सिटिन है ये एक रात या 2 रात के सीन के लिए बढ़िया दवाई है, पर अगर आप लंबे टाइम के लिए पीएमई का ट्रीटमेंट चाहते हैं तो इसके लिए बहुत अच्छे अदर ऑप्शंस भी हैं। डिपॉक्सिटिन के कई कॉम्बिनेशन आते हैं जैसे कुबेर एक्स है, ड्यूरा प्लस है या बहुत सारे कॉम्बिनेशन जिसमें टडाला फिल और डिपॉक्सिटिन मिली होती है। इन दवाइयों को लेने से पहले हमेशा अपने कंसल्टेंट या अपने डॉक्टर से बात कीजिए, हो सकता है कि आपकी हार्ट कंडीशन, डायबिटीज़ या किसी और बीमारी के साथ इस दवाई का रिएक्शन हो। अदरवाइज़ एंजॉय हेल्दी सेक्सुअल लाइफ, यही है मेरे आपके लिए एक रेगुलर मैसेज कि अपनी सेक्स लाइफ को एंजॉय कीजिए और सेक्स लाइफ में कमी है तो हम कई तरीकों से उसको इम्प्रूव कर सकते हैं और आपको एक बेटर सेक्स लाइफ दे सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया हो तो उसको प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर इस वीडियो के अंदर आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं आपके लिए, आपकी सेक्सुअल हेल्थ के लिए, आपकी यूरोलॉजी की दिक्कतों के लिए हमेशा अच्छे टॉपिक्स और अच्छी जानकारी लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर।